हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा अफगान संकट। क्या है अफगान संकट, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? तो आइए बच्चों, प्रयास करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने का। यानी हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे पर, यानी हम बात करें काबुल हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन, अन्य प्रमुख केंद्रों पर किसने आक्रमण कर दिया था? सोवियत संघ ने। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सोवियत संघ अचानक से ही क्या करता है कि अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है। हालांकि बच्चों, मैंने आपको ना सेकंड चैप्टर में बता दिया था कि अफगान संकट क्यों हुआ था, थोड़ा सा टॉपिक बताया था वहाँ पर। तो ये हमारा अफगान जो संकट है, ये पूरा एक क्लियर टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अफगान के जो लोग थे ना, बड़ी बहादुरी से सोवियत संघ का सामना भी करते हैं। उन्होंने अपने छापामार हमलों से सोवियत संघ की सैनिकों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है कि उन्हें अमेरिका से, यानी यहाँ पे बताया जाता है कि अमेरिका किसकी मदद करेगा? अफगान के लोगों की। यानी हम बात करें अफगान संकट में किसने अटैक किया था? सोवियत संघ ने। तो अफगान का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। तो उन्हें अमेरिका से हथियार की आपूर्ति हो रही थी। अमेरिका क्या करता था? हथियार भेजता था। किसको? अफगान को। तो अफगान संकट से सोवियत संघ की बड़ी बदनामी होती है और सोवियत संघ को मुंह की खानी पड़ती है। जैसा कि बच्चों, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों, हम बात करें CIS क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस टॉपिक में बताया जाता है किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन होता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर जो सोवियत संघ बना था ना, उसमें से 12 राज्य मिलकर एक राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना करते हैं। यानी हम बात करें CIS की। और 3 ऐसे गणराज्य जिसकी बात हम कर रहे, लातविया, एस्तोनिया, लुथियानिया में शामिल, यानी ये तीनों जो गणराज्य थे ना, किसमें शामिल नहीं हुए? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS में शामिल नहीं हुए। सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? रूसी गणराज्य। इसी ने तो, यानी रसिया, यानी 3 ऐसे राज्य ने सोवियत संघ का विघटन बोल दिया था कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो चुका है। तो रूसी गणतंत्र अब रूसी संघ बन चुका है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रशियन फेडरेशन कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? रूसी है, यानी रसिया है, ठीक है। तो पुराने जो सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों को निपटाने का काम कौन करेगा? रसिया। और दायित्वों को निभाने का भी जिम्मेदारी उसी के हाथ में होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस एल्तसिन ने रूस के क्या बन गए, ये देश के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर रूस में लोकतांत्रिक महत्व को ज़्यादा ध्यान दिया। यानी हम बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया था। जो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या अमेरिका का जो वर्चस्व है सोवियत संघ के विघटन के बाद स्टार्ट हुआ था? आप खुद बताइए कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट हो सकता है? नहीं ना। तो वर्चस्व कब दिखने को मिला था? 1945 से ही स्टार्ट हो गया था। कैसे? क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, तो वहीं से स्टार्ट हो गया था अमेरिकी वर्चस्व। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आप इसे सुन सकते हैं या पढ़ लीजिएगा। तो नहीं, अमेरिका का जो वर्चस्व है 1945 में भी देखने को मिलता है। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम गिराए, तब से अमेरिका का जो वर्चस्व था वो स्टार्ट हो चुका था। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व एक जगह और देखने को मिलता है। 1990 के अगस्त में इराक ने क्या किया था कि कुवैत पर हमला कर दिया था और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी जमा लिया। तो इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक जो थी कोशिशें बेकार हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग का अनुमति दे दिया था। किसको दिया था? अमेरिका। पढ़ते कि शीत युद्ध के जो दौरान था ना, ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संगठन के लिहाज से ये एक नाटकीय फैसला था।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे डाली। 34 देशों की मिलीजुली, यहाँ पे बताया जाता है कि 34 देशों की मिलीजुली और 660,000 सैनिक की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध क्या खोल दिया था, मोर्चा खोला था, और इराक के जो सद्दाम हुसैन थे उसको उन्होंने परास्त कर दिया यानी हरा दिया। तो इसे क्या कहा गया, इसे प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संगठन के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट के नाम से भी जाना गया। बच्चों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस ऑपरेशन को कितने नामों से जाना जाता है। तो पहला क्या था, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, और दूसरा क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ठीक है, आइए बच्चों अब हम बात करते हैं, जो एक हद तक अमेरिकी सेना अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल जो नॉर्मन श्वार्ज़काव थे, जो कि एक लीडर थे जो नेतृत्व कर रहे थे, और 34 देशों की इस मिली जुली जो सेना थी, 75% जो सेना थी वो अमेरिका की ही थी। इसमें बताया जाता है कि 34 देशों में से 75% सेना किसकी थी, अमेरिका की थी ना, तो अमेरिका ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन इराकी सेना अमेरिका के सामने घुटने टेक देती है और अमेरिका कुवैत को छुड़ा लेता है। प्रथम खाड़ी युद्ध, यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और इस मामले में प्रौद्योगिकी यानी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर, या ये कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का भी प्रयोग किया था। देखो कौन से बमों का इसने यूज़ किया था, स्मार्ट बमों का यूज़ किया था। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर यानी हम बात कर रहे इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दे डाली। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बढ़े, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर जितने भी दर्शक थे वो अपने घरों में बैठे हुए थे, बड़े इत्मीनान से इस घटना को देख रहे थे यानी लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे किस प्रकार से इराकी सेना अमेरिका के सामने धराशाही हो रही थी। इस बात से पता चलता है कि अमेरिका को इस युद्ध में कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च नहीं की उससे कहीं ज़्यादा उसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब के देशों से काफ़ी हद तक मुनाफा हुआ। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने, ये हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि अमेरिका का कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो ज़्यादातर इसको पैसे कहाँ से मिले थे, जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से। तो आइए बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज बुश के बाद कौन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेगा। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में चुनाव हुआ, तो यहाँ बताया जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए जो कि बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। उस समय जॉर्ज बुश हार चुके थे। 1992 में 1996 तक ये फिर से राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। इन्होंने घरेलू मामलों पर काफ़ी हद तक ध्यान दिया, जैसे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के भी मामले में। अब बच्चों हमें एक क्वेश्चन और पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका दूतावासों पर हमला कैसे हुआ। तो यहाँ पे बताया जाता है कि केनिया, तंजानिया, यहाँ पे अमेरिका दूतावास रह रहे थे, तो अचानक से इन दूतावासों के ऊपर हमला हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन दूतावासों पर अचानक से हमला कौन करते हैं, अलकायदा के संगठन यानी आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ मैं। आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया गया कि अमेरिका के दूतावासों पर हमला किया गया। इसके जवाब में बिल क्लिंटन जी ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया और सूडान और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया, और अमेरिका ने यहाँ पर बदला भी ले लिया। अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति भी नहीं ली थी यानी उसकी आज्ञा भी नहीं ली थी यानी उनकी बात भी नहीं सुनी थी। अमेरिका पर आरोप लगा कि इस मामले में आम लोगों को भी काफी हद तक निशाना बनाया गया और अमेरिका अपना वर्चस्व भी दिखाना चाहता था।